लोकसभा आम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को मधवापुर बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू और सहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के पिहवारा, तरैया और बिशनपुर पंचायत के कुल 25 मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन सह निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इसी क्रम में शौचालय, बिजली, चापाकल सहित अन्य सुविधाओं की छानबीन की। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने स्कूल में चल रहे पठन पाठन का भी जायजा लिया, जहां शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति पंजी का अवलोकन और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जाँच की। उसके बाद कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जाँच के क्रम में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय करहुआ गोट में बच्चों के लिए बन रहे भोजन में चावल खराब क्वालिटी का देखकर नाराजगी जताई और विभाग को लिखने की बात कही। वीडियो ने कहा कि लोकसभा चुनाव भयमुक्त और मतदाताओं को सभी मूलभूत सुविधाएं को लेकर यह प्रतिबद्ध है। साथ ही थाना अध्यक्ष ने संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। मौके पर प्रखंड निर्वाचन शाखा से अनिल कुमार समेत अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।